टेंथ क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है गैसियस एक्सचेंज, उसमें तमाम पॉसिबल क्वेश्चन जो है मैंने उसकी हेडिंग्स बना ली हैं, आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर जितने भी मतलब शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते थे, जिसमें जो है पहला पहला जो हमारा शॉर्ट बनना है वो बनना है एरोबिक रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, गैस एक्सचेंज, व्हाट इज ब्रीथिंग, राइट डाउन द रेट ऑफ ब्रीथिंग ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड रेस्ट, ठीक है। व्हाट इज एयर पैसेज वे, राइट इट्स पार्ट और कॉम्पोनेंट्स, राइट फंक्शन ऑफ नेजल कैविटी, डिफरेंशिएट बिटवीन फारिंक्स एंड लारिंक्स, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लोटिस और एपिग्लोटिस, व्हाट इज वॉइस बॉक्स, हाउ इट प्रोड्यूस साउंड, ओके। व्हाट आर एल्वियोलाई, राइट इट्स फंक्शंस, डिफरेंशिएट बिटवीन इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। सेकेंड पेज के ऊपर जो हमारे पास डिफाइन दिस टर्म्स हैं, उसमें फर्स्ट है ब्रोंकाइटिस, एम्फिसीजिया, नमोनिया, एस्थमा, पैसिव स्मोकिंग, लंग कैंसर, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, पुलर मेम्ब्रेन एंड इट्स फंक्शन। राइट डाउन सिम्टम ऑफ ब्रोंकाइटिस, एम्फिसीजिया, नमोनिया, एस्थमा। उसके बाद है राइट डाउन द काजेज ऑफ नमोनिया, बैक्टेरियल नेम एस्थमा, लंग कैंसर। आज अगला क्वेश्चन है राइट डाउन द ट्रीटमेंट ऑफ नमोनिया एंड एस्थमा, राइट डाउन द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, व्हाट इज निकोटीन, राइट इट्स बैड इफेक्ट्स, ठीक है। ये हमारे पास जो है हमारे जो चैप्टर नंबर वन है गैसेस एक्सचेंज में जितने भी मौजूद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, जो जो हमारे पास हेडिंग्स बनती हैं, वो सारी की सारी मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट क्वेश्चन की आपको इस तरह दे दिए कि आप लोगों को पता लग जाएगा कि पूरे चैप्टर के आखिर अंदर है क्या, ठीक है। स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर आने वाली अपडेट आपके पास जल्दी से पहुँच जाए। हाँ जी, जो इस चैप्टर की जो हमारी पहली पहली डिफाइन है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में है, दूसरी एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, तीसरी फिर वो उन्होंने थोड़ी सी डिटेल दी है सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में, उसके बाद गैसेस एक्सचेंज है, ब्रीथिंग है, उसके बाद फिर ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन का दोनों का डिफरेंस बताया हुआ है, ठीक है। पहले पेज के ऊपर तो मैंने ये डिफाइन उन्हें बताई हुई है, पाँच छः डिफाइन उन्होंने दी हुई है, मैं आपको हर एक डिफाइन का अलग अलग आपको मैं पॉइंट आउट करके बता दूंगी ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। पहले हम जो है आराम आराम से आपको थोड़ा थोड़ा सा मैं उनका इंट्रो दे दाऊंगी, उसके बाद जब हम लोग डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में हम जब स्टार्ट करेंगे तो मैं प्रॉपर अगर आपको कोई क्वेश्चन हुआ, कोई आपको डिफाइन नहीं मिल रही, कुछ इशू आ रहा है, हम लोग उस हिसाब से उसको निशान लगा लेंगे, उसको डिस्कस करते जाएंगे। इस तरह से जो है मैं आपको इसमें तकरीबन हर चैप्टर की हर डिफाइन का निशान लगवा दूंगी, इस जगह पे ये डिफाइन दी हुई है, ये याद कर लें आप लोगों को, इजी हो जाएगा। मुझे इजाजत, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।